हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुकरण गुप्ता है। बहुत टाइम के बाद मैं अपनी एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है, मैं एमबीए इन मार्केटिंग हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस 7 साल का है। पाइनियर एकेडमी जम्मू में मैं पढ़ाता हूँ और मैं 11th और 12th को मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 12th के बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट यूनिट, उसका इंट्रोडक्शन है। नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप आगे कुछ भी पढ़ नहीं सकते रिलेटेड टू मैनेजमेंट। इसमें बहुत बेसिक चीजें बताई गई हैं मैनेजमेंट की, कि किस ढंग से होता है, क्या होता है, कंपनीज में काम कैसे होता है, लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सारी चीजें। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके उन सारी चीजों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये चीज पढ़ेंगे कि भैया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अब देखिए, जब मैनेजमेंट के मतलब की बात की जाती है तो उसमें बात की जाती है कि मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मींस दूसरों से काम निकलवाना। लेकिन काम निकलवाने के लिए कैसे, क्या एक्टिविटीज, क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, वो चीज का नहीं पता होता। इसीलिए हमने क्या किया कि मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको हमने मैनेजमेंट और टैक्टफुली करके लिख दिया। अब मैंने आपको कहा कि भैया काम निकलवाने के कुछ तरीके होने चाहिए, तो टैक्टफुली मींस टेक्निक्स। तो इन टेक्निक्स को हम यूज करके लोगों से काम निकलवा सकते हैं। अब टेक्निक्स हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सॉफ्ट टेक्निक, जिसको आप इमोशनल टेक्निक भी बोल सकते हैं, और एक होती है हार्श टेक्निक। अब जो इमोशनल टेक्निक है वो हम अपने दोस्तों के साथ ही करते हैं। किसी से काम निकलवाना है तो इमोशनली सॉफ्ट वॉइस में उनसे बोल के, सॉफ्ट टोन में बोल के हम काम निकलवा सकते हैं। लेकिन जब आप हार्श टेक्निक की बात करते हैं तो हार्श टेक्निक मींस गुस्से में ऑर्डर दे के आप काम निकलवाते हैं। व्हाई मैनेजमेंट टैक्टफुली, मैंने अभी आपको कहा टू गेट द थिंग्स डन। तो काम पूरा करवाने के लिए आपको सबसे मेजर चीज जो चाहिए, दैट इज प्लान। अगर आपका प्लान नहीं है आप काम नहीं निकलवा सकते। आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको कंट्रोल भी करना है हर एक एक्टिविटी को। इसीलिए कहा गया कि अगर आपको सही ढंग से काम निकलवाना है तो आपको 3 मेजर चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आता है मनी, एक आता है मशीनरी, और एक आती है मैन पावर। इन तीनों की वजह बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन इन तीनों को भी यूज करने के लिए आपको मैनेजमेंट को यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑप्टिमम और मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मींस बढ़िया ढंग से आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। यह है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने 2 लिखी है, ऐसे तो आपको हर बुक में 4 से 5 या 6 डेफिनेशन भी मिल जाएंगी, बट ये 2 मेन डेफिनेशन हैं। ये ओल्ड फिलोसफर्स हैं, जो मैनेजमेंट फिलोसफर्स जिनको नाम दिया गया। एक है हैरोल्ड कून्स, जिन्होंने कहा कि भैया मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की पीछे कि एक सॉफ्ट टेक्निक, एक इमोशनल टेक्निक भी होती है। तो वो जो विद पीपल की यहाँ पे लाइन लिखी है, थ्रू एंड विद पीपल, दैट इज कॉल्ड अ इमोशनल टेक्निक। भैया मैं तुम्हारे साथ मिलकर आओ काम करते हैं। लेकिन इसमें 2 वर्ड्स और हैं, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इन दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा, हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी डेफिनेशन जो है, दैट इज अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। भैया मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि आपको ये देखना है कि आपको काम क्या करवाना है, और उसके बाद ये भी देखिए कि क्या वो काम सही ढंग से और सस्ते ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन ये तो 2 फिलोसफर्स जो थे, ये थे ओल्ड फिलोसफर्स। वैसे ही एक हमारे पास नया फिलोसफर, एक यंग फिलोसफर आया, नाम था थियो हेमन। थियो हेमन कहते थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें इन्होंने मैनेजमेंट को 3 डिफरेंट सेंसेस में, 3 डिफरेंट तरीके से यूज किया गया। सबसे पहला तरीका एज ए नाउन, दूसरा एज ए प्रोसेस, और तीसरा एज ए डिसिप्लिन। अब क्यों बोला गया एज ए नाउन? देखिए, नाउन जब हम बात करते हैं तो हर एक को पता है, हम आई थिंक 4th 5th से पढ़ते आ रहे, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो कहा गया कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा।
सपोज हमारे पास ये एक रूम है जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड अनमैनेज्ड रूम है, और ये रूम किसका है जी? ये राहुल का रूम है। राहुल ने अपने एक फ्रेंड से जिसका नाम अजय है उसको ये बोला कि चल यार मिलके रूम क्लियर करते हैं, और वहां पर रिस्पॉन्स उसका ओके आया। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अगर वही राहुल अजय को ऑर्डर देता तो क्या अजय काम करता? इसीलिए राहुल ने अजय के साथ मिलके काम करने की बात की, और उसका रिजल्ट क्या आया? एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड रूम की बात की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे मैनेजमेंट कहाँ यूज हुई? तो यहाँ पे मैनेजमेंट यूज हुई नेम ऑफ अ पर्सन, अजय एंड राहुल। किसको मैनेज किया गया? प्लेस को, मींस रूम को, एंड अ थिंग, मींस रूम के अंदर जो चीजें पड़ी हैं उनको मैनेज किया गया। इसीलिए थियो हेमेनेज को मैनेजमेंट का नाम दिया। दूसरा हमारे पास आ गया एज अ प्रोसेस। अब जब प्रोसेस की बात करते हैं तो मैं बहुत छोटा सा वर्ड यूज करूंगा, नेवर एंडिंग, मींस कभी भी खत्म नहीं होगा। तो कहा गया इट रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू गेट द थिंग्स डन। काम करवाने के लिए आपको ये पांच चीजों की जरूरत पड़ेगी, और ये पांच नाम आप याद रखिए, क्योंकि जब तक आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ये पांच नाम आपके साथ रहेंगे। अगेन मैं एग्जाम्पल दे के बात करूंगा। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उस कंपनी के पास एक ऑर्डर आया, इस ऑर्डर में 1 लाख पेन बनाने की बात की गई। अब वहां पे प्रोसेस शुरू किया जाएगा, पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। तो जब कंट्रोलिंग होगी तो क्या मैनेजमेंट खत्म हो गई? नहीं, मैनेजमेंट खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरा ऑर्डर आया जो कि 2 लाख पेन का था, फिर तीसरा ऑर्डर आया। करते 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 आपने पढ़ा होगा एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्डर एन नंबर ऑफ टाइम्स आया, दैट इज ऑफ एन नंबर ऑफ पेन्स। तो ये जो मैनेजमेंट है ये तब तक चलती रहेगी, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंपनी चल रही है। जैसे ही कंपनी बंद होगी आपकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। और थर्ड हमारे पास आता है डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन की जब बात आती है तो हम बात करते हैं अनुशासन की, कि भैया हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। लेकिन थियो हेमन कहते हैं डिसिप्लिन ऑल्सो मीन्स बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, कि भैया आप कितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, और कितना उसको प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कितना यूज कर रहे हैं, उसको भी हम डिसिप्लिन बोलते हैं। अब मैंने आपको पीछे एक बात बोली थी जो हैरोल्ड कून्स की डेफिनेशन में थी, दो वर्ड्स आपको मैंने याद रखने के लिए बोले थे। एक मैंने आपको बोला था इफेक्टिवनेस, और एक आपको मैंने बोला था एफिशिएंसी। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दो मेजर वर्ड्स हैं जो हर कंपनी में टॉप लेवल, मीन जो ओनर्स हैं, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सब यूज करते हैं। तो इन दो वर्ड्स को हम लोग इस ढंग से रखेंगे। ये इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट। भैया गिवन पीरियड ऑफ टाइम में 5 दिन का काम बोला 5 दिन में होना चाहिए, लेकिन पैसा जितना मर्जी लगे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन 5 दिन के अंदर हमारा ये काम कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा आता है एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू डू द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब मुझे पैसा भी बचाना है, एफिशिएंसी कह रहा है मुझे पैसा बचाना है, और इफेक्टिवनेस कह रहा है मुझे टाइम बचाना है। इन दोनों वर्ड्स को आपको एक फोटो के थ्रू आप समझ सकते हैं, एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। दिस मीन्स यूज रिसोर्सेज, पीपल, मनी, रॉ मटेरियल एंड द लाइक वाइजली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। इफेक्टिव की जब बात की जाती है तो अचीव रिजल्ट्स बाय मेकिंग द राइट डिसीजन एंड कैरिंग देम आउट सक्सेसिवली। और इजी कर दिया जाए तो इफ वी समड अप द डिफरेंस बिटवीन द टू वी कैन से दैट बीइंग इफेक्टिव इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। भैया सही काम करो, इफेक्टिवनेस का मतलब सही काम करना, एंड वाइल बींग एफिशियंट इज अबाउट डूइंग थिंग्स राइट। इफेक्टिव कहता है सही काम करना, और एफिशियंट कहता है काम को सही करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी नीचे दे रखा है, आप इस पर अपने क्वेरीज को पोस्ट कीजिए, मेल कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स जो है उनको क्लियर करूंगा।